आप देख रहे हैं पिताजी न्यूज की खास पेशकश कोरोना बुलेटिन। अगर इंडिया केसेस की बात करें तो 5,360 केस हो चुके हैं, जिनमें 165 लोगों की मौत हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं, जहां 1,018 कोरोना के केस आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 690, दिल्ली में 576, तेलंगाना में 404, राजस्थान में 348, केरला में 336, उत्तर प्रदेश में 332 और आंध्र प्रदेश में 314 केस देखने को मिले हैं। वहीं विश्व पर अगर नज़र डालें तो 14,33,012 केस देखने को मिले हैं, 82,136 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा केस है अमेरिका में देखने को मिले, जहां 4,335 केस आ चुके हैं। वहीं 12,841 लोगों की मौत हुई है। अब सबसे पहली और अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुफ्त में जांच हो और रीइम्बर्स करने को कहा गया है कि एक तंत्र बने, जो भी प्राइवेट लैब्स हैं वो पैसा जितना खर्च होता है उनको सरकार किसी तरीके से दे और लोगों से पैसा ना लिया जाए, जो 4,500 रुपये लिया जा रहा था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। आई खबर दौड़ते हैं। चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर मुँह व नाक ढकना किया गया अनिवार्य। देश में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि इस केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर अपने मुंह और नाक में मास्क या कपड़े से ढकना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बिजली व पानी के बिल और मकान के किराए के भुगतान को फिलहाल के लिए टालने का फैसला लिया गया है। आई खबर बढ़ते हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों को देगी 50 लाख की बीमा। उत्तर प्रदेश सरकार ने के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी पुलिसकर्मियों को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 750 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इस समय कोई भी COVID-19 मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है, सभी की हालत स्थिर है। आगे खबरें दौड़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच व्हाट्सएप ने ग्रुप कॉल करना बनाया आसान। व्हाट्सएप ने 4 या इससे कम लोगों के लिए ग्रुप कॉल को आसान बना दिया। व्हाट्सएप ने ग्रुप के सभी लोगों को एक साथ चैट करने के लिए वीडियो या वॉइस कॉल आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके पहले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप की कॉल दोगुनी होने की बात कही थी। आई खबर दौड़ते हैं। 1 मार्च के बाद मरकज जाने वाले लोग सूचना दें वरना होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने यह बात कही है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी MS रंधावा ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों ने 1 मार्च के बाद निजामुद्दीन मरकज का दौरा किया है वे अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों को सूचित कर दें। रंधावा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसे तथ्यों को छुपाना माना जाएगा और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आई खबर दौड़ते हैं। व्हाट्सएप ने की घोषणा, फ्रिक्वेंटली फॉरवर्ड मैसेज को एक बार में ही एक ही चैट भेज सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए व्हाट्सएप फ्रिक्वेंटली फॉरवर्ड मैसेज को केवल एक चैट पर भेजने के लिए सीमित कर दिया है। अगर यूजर को ऐसा मैसेज मिलता है तो वह एक बार में सिर्फ एक चैट पर ही यह मैसेज भेज सकेगा। फ्रिक्वेंटली फॉरवर्ड मैसेज में डबल एरो के निशान रहता है। आई खबर बढ़ते हैं। हिमाचल के CM व विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। 2 साल तक नहीं मिलेगा MLA फंड। कोरोना वायरस संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न बोर्डों के निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के वेतन मानदेय में 1 साल तक 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगले 2 साल तक विधायक निधि की राशि विधायकों को न देकर कोरोना चुनौती से निपटने के लिए खर्च की जाएगी। आगे खबर दौड़ते हैं। राज्य में कोरोना के केस हुए 91, 10 लाख है रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने की योजना पंजाब सरकार ने बात कही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना के वायरस संक्रमण के कुल 91 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने 10 लाख रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात में शामिल 468 लोग पंजाब आए थे, जिनमें से 448 की पहचान हो चुकी है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्पाइस जेट ने कहा देश में पहली बार यात्री सीटों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया। स्पाइस जेट ने बताया कि मंगलवार को कंपनी ने देश की पहली बार यात्री सीटों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया है। इसके तहत बोइंग 737NG विमान के यात्री कैबिन में बेली स्पेस का प्रयोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया
गया। कंपनी द्वारा तैयार की गई तस्वीर में सीटों में सामान बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी विज्ञापनों पर 2 साल तक लगे रोक, सेंट्रल विस्टा प्लान हो स्थगित, प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी ने बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 सुझाव देते हुए खत लिखा। सोनिया ने मीडिया को मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों पर 2 साल तक के लिए रोक लगाने और 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्लान को स्थगित करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती कर कोरोना की लड़ाई में पैसा लगाने के लिए कहा है। आगे खबर दौड़ते हैं। हमारे पास कोरोना के लिए 30,000 मरीजों की तैयारी, 12,000 को होटल में रखेंगे, दिल्ली के CM ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 पहुंची तो 8,000 को अस्पतालों में, 12,000 को होटलों में और 10,000 को बैंक्वेट या धर्मशाला में रुकवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1.25 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स का ऑर्डर दिया है, जबकि 27,000 PPE किट्स केंद्र से मिलेगी। अब ये बात कर लेते हैं, एक जो साध है उसकी खबर आ रही मौलाना साध की कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए दिया गया है, तो ये खबर पूरी तरीके से फेक है, न्यूज़ लेटर की अखबार की कटिंग दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस खबर को एडिट करके बनाया गया है। फिलहाल आपका वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।